नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हम हैं कांग्रेस के प्रत्याशी देवास विधानसभा से प्रदीप चौधरी जी के साथ में। टिकट मिलने के बाद ये उनका हमने पहला इंटरव्यू लिया है। प्रदीप जी, आपको तो पहली बार टिकट मिलने के लिए बधाई हो, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारी खींचतान हो रही थी, लगातार टिकट को लेकर संशय भी था, लेकिन आपने पहली लड़ाई जीत ली है, क्या कहेंगे इस बारे में? जी निश्चित, ये तय था, टिकट का भी तय था, पहली लड़ाई भी जीतना तय था और दूसरी लड़ाई जीतना भी बिल्कुल तय है, उसमें कोई शंका कुशंका की कोई बात ही नहीं जी। अब चूंकि आप चुनाव के मैदान में उतर ही आए हैं, तो क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि पिछले 1990 से यहाँ पर एक ही परिवार का और भाजपा का यहाँ पर राज है, इस राज को क्या आप इस बार तोड़ पाएंगे? देखिए, राज अलग चीज़ होती है, एक लोकतंत्र देश है हमारा, प्रदेश में लोकतंत्र का पर्व अभी आने वाला है और निश्चित तौर पर देवास में हर एक को साथी मेरा साथ दे रहा है जो नशे के खिलाफ है, हर एक को साथी मेरा साथ दे रहा है जो ड्रग्स का, जो ये एक अड्डा बन गया है देवास, और ये ड्रग्स के खिलाफ और नशे के खिलाफ, अवैध धंधों के खिलाफ जो साथी मेरा है, वो हर एक देवास का साथी मेरे साथ में है और निश्चित तौर पर वो साथी मेरे साथ में जो देवास के आने वाले भविष्य को, शिक्षा के लिए बाहर ना भागा, बाहर उनके बच्चों को नहीं जाना पड़े, वो साथी मेरे साथ तैयार खड़ा है, जो चाहता है कि उसके माता पिता का या कुछ आकस्मिक कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसका इलाज देवास में हो जाए, वो सब साथी मेरे साथ में। अच्छा, कम समय में प्रदीप भैया आपने काफ़ी ख्याति पाई ली, खासतौर पर कोरोना के बाद से। कोरोना में आपकी सेवाएँ यहीं पर रसोई लगी हुई थी, उनके देखने आते थे यहाँ पर लगातार, अपने बाईपास पे हजारों लाखों लोगों को भोजन कराया। कोरोना काल के बाद में जनता के बीच में आपकी प्रसिद्धि बढ़ी है, उसके पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो क्या जनता अभी इस बात को याद रखे हुए है कि आपने जो सेवाएं की थी उस दौरान, वो जनता में याद है? आप जाते हैं तो क्या फीडबैक मिलता है? देखिए, एक बात बता दूं मैं आपसे कि कोरोना काल एक शताब्दी का बहुत बहुत बड़ा भयानक एक हम कहते ना कि इंसानियत पर एक वार था, और उसमें जो बन पड़ा, सब मेरे से जो बन पड़ा मैंने किया, वो चाहे मौत सामने खड़ी थी और मौत के सामने लड़कर खड़े रहकर अपने लोगों के लिए जो करना था मैं कर चुका, और वो देवास के हर एक नागरिक को, जो देवास का नागरिक है, देवास के मेरे साथी है, सभी को जानकारी है, अच्छे से जानकारी है, और निश्चित तौर पर आपका जो कहना है कि कोरोना काल के समय से आप लोगों के बीच में आपने ख्याति पाई, तो ये बात भी सही है, भगवान गजानन कृपा हुई और हम वो सब कुछ कर सके जो एक नामुमकिन काम था, और साथ ही साथ में उसके पहले भी हमारी सेवाएं जारी थी और लगातार जारी थी, लेकिन एक बड़ा एक ग्राउंड हमको कोरोना काल में मिला कि हमने उसमें खुलकर जो भी मानवता की सेवा करना थी हम लोगों ने की, और निश्चित तौर पर आज मैं उस बात के को लेकर मेरी आत्मा में बहुत संतोष है कि चाहे जितने लोग घरों में बैठ गए होंगे, लेकिन हमारे ऊपर वाले कृपा, ईश्वर की कृपा से हम घर में नहीं बैठे, हम उस मौत से लड़कर हमने जो बन सका हमने किया। हालांकि राजनीतिक तौर पर आपका उस समय उद्देश्य नहीं था, ये बात सही है कि कोरोना में जो आपने सेवा की थी वो एक सेवा भाव से की थी, चुनाव में जब आप जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो वही बात है कि लोगों को अब तक वो सेवा याद है कि नहीं है? ये तो आप जर्नलिस्ट है, आप लोगों को जानने का अधिकार है, लोगों से आपको जनता बात करती है? हाँ, नहीं, जनता बात करती है। देखो एक क्या है, कोई भी व्यक्ति हो अच्छा बुरा कभी नहीं भूलता, और चुनाव के समय तो अत्यधिक नहीं भूलता। एक कोई मेरा मित्र है और हम बचपन में झगड़ा कर लिया था हमने, तो अभी मेरे को मिला हो तो बोले कि तूने मेरे बचपन में मेरे से झगड़ा करा था, तो मैंने कहा तेरे को बचपन की आज तक याद है? बोले हाँ याद है। मैंने कहा उसके बाद में फिर अपने नाश्ता करा वो? बोले हाँ वो याद है, तब तक बोल दूंगा मैं। तो क्या होता है कि अच्छी बुरी चीज़ों को, और देखो मैं आपके चैनल के माध्यम से देवास की उस भगवान में जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस बार मतदान करें, हर पहलू को देख कर करें, आपको कहीं मुझ में अगर खामी लगती है तो ज़रूर मुझे मतदान ना करें, अगर विपक्ष में अच्छाई लगती है तो उसको मतदान करें, लेकिन इस बार मापदंड होना चाहिए, आप देवास कैसा चाहते हैं, क्या ये जो गली गली में जो शराब बिक रही है ऐसा देवास चाहते हैं, ड्रग्स का एक अड्डा बन गया, जब देवास की पुलिस किसी ड्रग्स माफिया को यहाँ पर नहीं पकड़ती है, राजस्थान की पुलिस आकर पकड़ती है, क्या हमको ऐसा देवास चाहिए, या हमको ऐसा देवास चाहिए जो आज हमारे जो बच्चे दो दो तीन तीन साल चार चार साल इंदौर के लिए या उज्जैन के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, और दो दो से चार चार सौ बसें भरकर जो पलायन के लिए सुबह सुबह यहाँ से जाती है, क्या ऐसा हमको देवास चाहिए, या जो मेट्रो से जुड़ने वाला देवास चाहिए? बहुत सारी परिकल्पना है, बहुत सारी बातें हैं, उन पे आप शोध करें
उनके ऊपर बात करें और अपने साथ में इस बात का भी ध्यान रखें कि कौन किस समय कौन कहां पर खड़ा था। और एक हमने एक बहुत बड़ी विनाशकारी एक हमने कोरोना काल देखा है, उस कोरोना काल में किसका क्या रिपोर्ट कार्ड था वो भी देखें। मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप आपके वोट मुझे ही मिले, लेकिन हाँ आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ये विशेष ध्यान इस चुनाव में होना चाहिए। अच्छा प्रदीप भैया, थोड़ी राजनीति पर बात कर लें, उसके बाद फिर मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है। कांग्रेस में ये देखा गया है कि देवास पर कम ध्यान दिया जाता है, ये जर्नलिस्ट भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कम ध्यान देते हैं, क्योंकि आपके पास तो पर्याप्त आपके डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, आप तो कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस का इस समय रुख क्या है, दल का आपके? हम ये सवाल बार बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें भी देखने में आता है। देखिए, सर्वसम्मति से टिकट होना, ये चाहे जो मीडिया में या जिस भी प्रकार की खबरें चल रही थी कि वो उसके विपक्ष में, मेरा जो टिकट हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है। उसमें आप ये समझे कि स्थानीय देवास, स्थानीय हमारे नेतागण और शहर कांग्रेस और सभी विंग्स, सभी ने मिलकर और सभी ने तय किया और सिंगल नाम तय किया। तो अब इसमें से हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि पूरा संगठन एक साथ खड़ा है, चुनाव लड़ रहा है। और होता क्या है कि लगातार 20 वर्षों से सरकार का नहीं होना और लगातार 35 वर्षों से विधायक नहीं होना, तो उससे कहीं ना कहीं हम आम जनता में हमारे कार्यकर्ता खड़े नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को चाहिए काम, और काम वही दे सकता है जो सत्ता में हो या कोई किसी संवैधानिक पद पर बैठा हो। तो हम इससे विहीन थे, उसके बावजूद भी आज देखो हजारों हजार कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर अब की बार ये जो चुनाव है, जनता का चुनाव है और देवास की जनता इस चुनाव को फेस करने वाली है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार आपके चुनाव चैनल पर भी मैंने ये बात को रखा है कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस से हटकर ये देवास का चुनाव है। अच्छा, मूल मुद्दे अब क्या होंगे जब जनता के बीच में आप जाओगे वोट मांगने के लिए, उनको ऐसे कौन से मुद्दे बताओगे कि आप देवास में विधानसभा में ये परिवर्तन चाहते हो, ये काम आप करेंगे? देखिए, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मैं जिस दिन से मैंने इस काम को चालू, जिस दिन से मैं तय किया कि हाँ देवास विधानसभा का मैं हमको परिवर्तन करना है और देवास के लिए कुछ विशेष करना है, तो मेरे मूल मुद्दे वही मुद्दे, चार मुद्दे हैं। चार मुद्दों के अलावा बहुत सारी बातें, पहला है स्वास्थ्य को लेकर, एट रेफर टू इंदौर कैसे रोक सकते हैं, पहला। दूसरा, जो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार के लिए कैसे बात की जाए, किस प्रकार से उनको स्थानीय लोगों को या जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें रोजगार की व्यवस्था की जाए। तीसरा, सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का, जो आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, और उसमें भी मतलब एक हंसी वाली बात ये तो होती है कि सामने वाले विपक्ष के हमारे जनप्रतिनिधि ये बात करते हैं कि अमलतास से एक हॉस्पिटल है जो कि देवास विधानसभा से ही बाहर है, वह हाटपिपलिया विधानसभा में आता है, चलो जिले में आता है लेकिन वो एक प्राइवेट सेक्टर है। तो ऐसे कॉलेज हम किस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ पे स्थापना कर सके, किस प्रकार से मेडिकल कॉलेज की बात कर सके, किस प्रकार से हम यहाँ से, मैं अपने शब्दों पे फिर आता हूँ, किस प्रकार से हम यहाँ पे जो ये देवास का एक नाम बन गया आज, जुमाखोरी, नशेखोरी और जो ड्रग्स के अड्डा बन गया, किस प्रकार से हमारे नाम को हम सही करें, जो एक माँ तुलजा भवानी चामुंडा माता एक नगरी है, हम इसमें किस प्रकार से इसको सही रख सके, और साथ साथ में किस प्रकार से आज इंदौर और उज्जैन की तर्ज पे हम देवास को खड़ा कर सके। आज इंदौर में फेज टू पे अगर बात कर ले हम मेट्रो की, तो मेट्रो में फेज टू जो फर्स्ट फेज में देवास का नाम जुड़ा था वो हटा दिया गया, दूसरे सेकंड फेज में उज्जैन को जोड़ दिया गया, पीतमपुर को जोड़ दिया गया, लेकिन देवास नहीं जुड़ पाया। ये तमाम मुद्दे हैं ऐसे, और उनके साथ साथ एक सबसे बड़ा मुद्दा एक भाव जो देवास शहर के अंदर आज एक डर का भाव है। आज अगर मेरे एनजी रोड के सभी व्यापारी बंधु मेरी बात को अगर उन तक सुन, उनने किस प्रकार से खुलेआम गोलीबारी करते हैं, किस प्रकार से गुंडागिर्दी, किस प्रकार से अवैध वसूली, चंदा, ये वो सब, इन सब चीजों से निजात पाकर देवास एक शांति का टापू है, और देवास को शांति का टापू कैसे बनाया जा सके, इन सब विषयों, इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। अगर जनता चुनती है तो आप सबको रोक लेंगे? मैं एक चीज बता देता हूँ मैं आपसे, मैं अगर मैं परीक्षा देकर आया हूँ कोरोना काल में, और अगर मेरे भगवान ने मुझे छींक भी नहीं आने दी, अगर वेंटिलेटर वार्ड में भी मैं घुमा हूँ और अपने लोगों के बीच में घुमा हूँ, चाहे मेरी जान या पहचान थी या ना थी, लेकिन उस समय मैं परीक्षा देकर आया और मुझे छींक और खांसी भी नहीं हुई, तो उसी समय अपने आप को जनता के सुपुर्द मैंने कर दिया, अपने आप को परिवार से अलग हटाकर मैंने जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो इसमें चाहे मुझे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन इस गैंगवार और इस नशे के अवैध कारोबार से इस देवास को छुटकारा दिलाने में
भरसक प्रयास करूंगा और जो ये मुद्दे हैं इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा। साथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा, जो इंडस्ट्रीज बंद हुई है, चाहे चामुंडा स्टर्न मिल हो, चाहे टाटा हो, टाटा में कितने बड़े स्तर पर महिलाएं काम करती थी, या एस कुमार से हो, ये जो फैक्ट्रियां हैं इसमें हमने आंकलन करा, 265 मिल हमारे यहाँ बंद हुए, उनमें करीब करीब 20,000 मजदूर ऐसे जो आज बेरोजगार हो गए, उनके प्राइवेट फंड की बात नहीं, उनके उनकी ग्रेजुएटी की बात है, इन सब बातों को मैं सरकार के ध्यान में लाकर इनके लिए क्या न्याय कर सकूं, मैं उस बात के ऊपर ध्यान दूंगा। क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं, देखिए आज हम अगर विकास की अगर हम बात कर लें, तो मैं अभी आरती करने पूरे शहर के अंदर जा रहा हूँ, मैंने साथ साथ में पदयात्रा भी करीब 24 वार्डों में पदयात्रा की है, तो एक एबी रोड को छोड़कर आजू बाजू सब एकदम हम आज भी वो ग्राम देहात की तरह हमारा देवास दिख रहा है। और देखने को पेपर के अंदर स्थानीय पूर्व विधायक जो स्थानीय वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, इतने सड़क ये हो गए, इतनी सड़क ये हो गई, जो सड़कें बनी है उनके ऊपर ही सड़कें बना देना, ये कोई विकास होता है क्या? जो नगर निगम के काम है उनको विधायक के रूप में उन कामों को दिखाया जा रहा है, ये सब अनुचित गलत है। और साथ में जो आज माता जी के दिन चल रहे हैं, आज दशहरा और दशहरे की मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आपके माध्यम से सभी देवास शहरवासियों को देता हूँ। अभी 9 दिन का नवरात्रि में अभी यातायात इतना प्रभावित था, हम लोग सब लोग बाहर से आने वाले लोग परेशान थे, जो ब्रिज हमको बीच में चाहिए था वो ब्रिज बाहर कर दिया गया, उस ब्रिज को वहाँ बनाने के प्रयास मेरे रहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस ब्रिज को वहाँ पर बनाया जाए ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। नया ब्रिज आप बनवाएंगे? नया ब्रिज यहाँ भी, और उज्जैन रोड 4 लेन की बात है उसको भी करना है, साथ में जो मंडी के सामने जो गेट है, मंडी के सामने जो ब्रिज बना है उसमें जो भ्रष्टाचार करके उस ब्रिज को जो छोटा किया गया उसकी जांच करके जो लोग इसमें दोषी है, और ये जो आज भी फाइल के ऊपर जो ब्रिज है अंदर शहर में बना हुआ है इसको बाहर फेंक दिया गया, इसकी भी जांच करके जो इसमें जो जनप्रतिनिधि भी अगर इसमें भागीदारी है और जो अफसरशाही की भागीदारी है इनकी जांच करके इनके खिलाफ सजा करवाने का संकल्प लेंगे हम लोग। अच्छा, आपकी विधानसभा में एक ग्रामीण क्षेत्र भी काफी बड़ा है, उत्तर क्षेत्र है, बिल्कुल 72 से ज्यादा गाँव है उसमें, बिल्कुल उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए 72 गाँव की प्लानिंग, आप एक सुनवानी गोपाल करके गांव है, वहाँ अभी करीब 20 से 30 साल से एक पुलिया है जर्जर हालत में, लेकिन आज तक वो पुलिया तक नहीं बन पाई। वहाँ के रास्ते अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन गांवों के जहाँ स्कूलों के लिए बच्चे परेशान होते हैं, आज भी हम देहात की तरह वहाँ पर मतलब जीवन लोग जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो राजा थे वो राज करते रहे, उन्होंने जनता की तरफ कभी देखा ही नहीं, उनको किसी से के जीवन के अंदर क्या फर्क पड़ता है रास्तों से, क्या फर्क पड़ता है पानी से, उन चीजों से मतलब ही नहीं। अभी नर्मदा की आपने बहुत बड़ी बड़ी वाहवाही आपने देखा होगा लूटने के लिए, जब हम लगातार प्रयास कर रहे थे, हम भटक रहे थे, पैदल चल रहे थे, हमारे नेता रितेश त्रिपाठी पद यात्रा कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि ये देखो 2024 के बाद नर्मदा का पानी देवास को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जब भी इनके कान पे जू नहीं रहेंगी वो। और फिर हमने जब आंदोलन करे और सारी लोकतंत्र में विपक्ष का अधिकार है कि वो अपनी मांगे मनवाए, और उस रास्ते से जब हमने मांगे मनवाई तो आज श्रेय लेने के लिए सब आगे आ गए कि नहीं हमने कराया था। अरे भाई कराना था आपको, तो जब बक्सी और तराना जब लाइनें चली गई, जब आपने देवास का नाम क्यों नहीं रखा? और स्थानीय विधायक का एक वीडियो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढना, उनके उनके उसमें उनके बयान है कि हमको तो 72 गाँवों में पानी की जरूरत ही नहीं, हमको एक डैम बन जाएगा उसके बाद हमको जरूरत नहीं। इस प्रकार के बयान को कोई निष्क्रिय विधायक ही दे सकते हैं और जिनको जानकारी ना, जानकारी का अभाव। और चूंकि मैं किसान का बेटा हूं और मुझे पता है ग्रामीण कल्चर मेरे अंदर कुट कुट के भरा हुआ है, और ग्रामीण अंचल में किस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं, उनकी जरूरतें क्या होती, किसान की जरूरत कब होती है, खाद कब चाहिए, आज बीमा, आज मेरे बोलता हूँ 72 गांव के किसानों को बीमा समय पे ना तो उनकी सर्वे होते हैं, ना समय पे उन लोगों की के बीमा राशि डलती है, तो ये बहुत सारी चीजें, जो समझता है वो उसके लिए लड़ सकता है, जो नहीं समझता वो कभी नहीं लड़ पाएगा। आपके दादाजी भी चुनाव लड़े थे और 5,000 का अंतर ले आए थे, अब आपका क्या दावा है? देखिए चुनाव हम जीतेंगे और निश्चित जीतेंगे, और निश्चित तौर पर देखो एक परिवार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बार ये देवास की जनता न्याय करेगी, और मैं न्याय के लिए देवास की जनता के समीप जाऊंगा। जनता भगवान होती है लोकतंत्र में और भगवान न्याय करते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। मुझसे जो बना मेरे 10-15 साल के राजनीतिक जीवन में, मुझसे जो बना मैं सब कुछ मैंने किया, जो जितना भी बनना, मैं कोई संवैधानिक पद पे भी नहीं था, ना किसी प्रकार के कोई लाभ के पद पर था, ना किस भी नहीं,
लेकिन हाँ, मेरे गजानंद से मैंने यही प्रार्थना सदैव की कि जो मुझे मेरे लायक कोई काम कर, मेरे काम मेरे लायक कोई आए, मेरे दरवाजे से खाली ना जाए, तो मुझसे जाए वो कोरोना काल हो, कोरोना काल में चाहे प्लाट बेच के एम्बुलेंस देना हो या अपने खुद के संस्थानों से पैसा निकाल निकाल कर जो सेवा करना हो वो सेवा करने की बात हो, या अपने लोगों के लिए लड़ने की बात हो, चाहे आंदोलन करने की बात हो, चाहे जो भी बात हो, मैं हर प्रकार से मैंने अपनी जनता की, इस भगवान की सेवा की है। आज न्याय उनसे मांगूंगा और आपके चैनल के माध्यम से भी फिर कहता हूँ कि न्याय आप लोगों को करना है, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा होना चाहिए और अहंकार को दूर होना चाहिए, क्योंकि आज विजयदशमी है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी प्रकार से दिनांक 17 तारीख के दिन भी बुराई पर अच्छाई की जीत होगी और 3 दिसंबर के दिन फटाके फूटेंगे और जोरदार फटाके फूटेंगे और जय देवास नया देवास के नारे लगेंगे। तो ये थे प्रदीप चौधरी और इनका दावा है कि जीत उनकी है, कई मुद्दों को लेकर साथ में चल रहे हैं। देखने वाली इजाजत होगी कि देवास की जनता कितना साथ देती है। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।